श्वसन मार्ग में अवरोध, किसी कारणवश श्वसन मार्ग का पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से बंद होने को श्वसन का अवरोध कहते हैं। कॉजेज ऑफ चॉकिंग, अवरोध के कारण। खाना व्यक्ति की भोजन नली यानी कि फूड पाइप की जगह है श्वसन नली यानी कि विंड पाइप में चले जाने के कारण। रोगी के गले में कोई घाव होना या मांसपेशियों में ऐंठन का होना। रोगी के गले में कोई मछली का कांटा या बाहरी किसी वस्तु के अटक जाने के कारण। किसी दुर्घटना के कारण उल्टी होना, रक्त अथवा लार जैसे पदार्थ से रोगी का श्वसन मार्ग बंद हो जाना। बच्चों के गले में कोई खिलौना आदि अटक जाना। कोई बड़ी वस्तु निगल लेना। श्वसन मार्ग में अवरोध के लक्षण। सांस लेने में कठिनाई होना, सांस की दर बढ़ना व सांस लेने में जोर जोर से आवाज आना। चेहरे, होठों व नाखूनों का रंग नीला होना। बोलने में कठिनाई होना, गला घुटना, बेहोशी छाना। यदि रोगी के मुंह में कोई वस्तु या खाने का टुकड़ा हो तो उसे मुंह में उंगली डालकर निकाले। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय वह वस्तु या खाने का टुकड़ा और अंदर न चला जाए। रोगी को खांसने के लिए प्रेरित करें। यदि वस्तु फिर भी न निकले तो रोगी की छाती को एक हाथ से सहारा दें एवं दूसरे हाथ से चार बार जोर से दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में मारें। इस विधि को बैक स्लैप कहते हैं। इसे रोगी को बिठाकर या खड़े करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगी के मुंह का निरीक्षण करें कि अवरोध निकला या नहीं। यदि नहीं तो पेट पर प्रहार की विधि का प्रयोग करें। रोगी को खड़ा करके उसकी कमर की तरफ से अपने एक हाथ से रोगी की नाभि के ऊपर घूंसा यानी फिस्ट बनाए और दूसरे हाथ से घूंसे को कस कर पकड़े व जोर से पेट की तरफ प्रहार यानी कि थ्रस्ट करें। पेट पर प्रहार विधि से अवरोध निकल जाना चाहिए। यदि नहीं निकलता है तो इस विधि को तीन बार दोहराएं। मुंह से अवरोध निकलने पर यदि आवश्यक हो तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें और मरीज को आरामदायक जगह पर बैठाएं। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरा मेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।